रेनू मैम, सेशन इज लाइव, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप म्यूट पे हैं मैम। हाँ जी, आप म्यूट पे थे, आप सेशन स्टार्ट कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू मित्तल, आशियाना द्वारका, जोधपुर से, आशियाना सुपर मॉम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी बाफला बाटी। तो उसके लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आटा 2 कप 300 ग्राम। फिर मैंने यहाँ पे ली है सूजी 1 कप। फिर मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा जीरा एंड 1/4 कप दही एंड घी एंड अजवाइन एंड थोड़ा सा मीठा सोडा। अब हम इनका तैयार करेंगे। रेनू मैम, आपका नेटवर्क बहुत लो आ रहा है। जी लतीजी, नेटवर्क बहुत लो हो गया तो आजकल आपकी आवाज भी कट रही है और वीडियो भी। सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या रतीश जी? और सबको दिख रहा है क्या, वीडियो और आवाज ठीक आ रही है? नहीं, आवाज कम आ रही है, वीडियो भी स्लो हो रहा है। कट रहा है दोनों कट। दूसरे फोन से करूँ रतीश जी? हाँ, जल्दी से दूसरे फोन से कनेक्ट कर लीजिए। हेलो हेलो मैम, आपने ना, हाँ, एक डिवाइस ऑफ कर दो। हाँ जी, हाँ, अभी ठीक है। आपकी वीडियो कहाँ है? हेलो हेलो मैम, जिससे कनेक्टेड था ना पहले, आप उसी से कर लो। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसी से करो? हाँ, उसी से कर लो। हेलो रति। हाय मैम। हेलो एवरीवन। सेशन शुरू नहीं हुआ? नहीं, हो गया, उनका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैंने अभी चलाया ना तो देखा अभी कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने कहा पता नहीं अभी शुरू हुआ है कि नहीं। हेलो, एक मिनट मैम, अब सही है रतीश? हाँ, अभी ठीक है। फिर से स्टार्ट करना है? कैमरा ऑफ हो गया मैम। कंटिन्यू करूँ या फिर से स्टार्ट करना है? अब फिर से स्टार्ट कर लो एक बार। एक
एकदम स्टार्टिंग से। हाँ जी मैम। आज हम बनाएंगे बाफला बाटी, तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए हम वो देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप आटा 300 ग्राम, फिर मैंने ली है यहाँ पे सूजी 1 कप, मैंने यहाँ पे लिया है दही 1/4 कप, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी अजवाइन और बाटी के लिए घी बहुत जरूरी है और मीठा सोडा थोड़ा सा। अब हम बाटी के लिए एक आटा लगाएंगे, तो इसमें मैंने आटे में मिलाई है सूजी, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। इतने आटे में कितनी सूजी डाली आपने? 2 कप आटे में 1 कप सूजी है मैम। ओके। हाँ जी। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ये लिया है अजवाइन, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें जीरा ऐड किया मैम, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून लिया है मीठा सोडा। इसमें मैंने मैम ऐड किया है 2 टेबलस्पून घी, और मैम इसमें मैंने डाला है 1/4 कप दही। अब इसका एक टाइट सा आटा लगाएंगे मैम हम, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक आटा लगा के लगाएंगे इसके लिए बाटी के लिए। हेलो। हाँ जी मैम। नमक भी डालना है ना? हेलो मैम, नमक भी ऐड किया आपने? हाँ जी, नमक डाला मैंने। अच्छा। हाँ जी, नमक ऐड किया ना? अच्छा, नमक ऐड नहीं किया मैंने, अभी करती हूँ, मैंने रखा है पास में, भूल गई। थैंक यू। मैंने ये इस तरह से बाटी के लिए आटा लगा लिया है, मैंने खूब ज्यादा टाइट भी नहीं लगाया, तो एकदम नरम भी नहीं किया आटे का, हमने ऐसे इस टाइप से लगाया है। अब इस आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। से पानी भी डाला है? हाँ जी, पानी के साथ ही लगाया मैंने आटा भी। अब इस आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, तब तक हम पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं। अब इस आटे की हम बाटियां बनाएंगे और उसको पानी में डाल के बॉईल करना है, तो उसके लिए मैं पानी बॉईल करना चढ़ा देती हूँ। मैम, मैंने पहले आटा लगा के रखा था थोड़ा, तो ये इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं आटे को, तो पानी बॉईल होता है तब तक हम इसकी बाटियां बना के रख लेते हैं। एक रोटी चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं हम, उससे थोड़ा सा ज्यादा आटे लेके इसकी लोई बनानी है हमें, जैसे कि जो मात्रा मैंने ली है उसमें आपकी 10 बाटी बन जाएंगी।
इस तरह के तरीके से हमें ये आटे की लोई ऐसे करनी है, छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, छोटे नहीं, रोटी से थोड़े से मोटे। इस पानी में थोड़े से ऑयल भी डाल देनी होगी ना, सो दैट इट डजंट स्टिक। हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हो आप, लेकिन उसमें ऑयल नहीं, आप घी इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि बाटी में कहीं पे भी ऑयल इस्तेमाल होता ही नहीं है, हर जगह पे घी ही काम आएगा। ये वैसे भी हाथों पे नहीं चिपकता, इसमें पहले से मोइन है 2 चम्मच घी का। ऐसे मैंने ये 5 बाटी तैयार की है बना के। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करना चढ़ा दिया था, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना बाटी बनाते समय कि पानी का एकदम उबाल आना चाहिए। अगर आप ऐसे पानी में डालोगे तो आपकी बाटियां अच्छी नहीं बनेंगी, तो एकदम प्रॉपर उबाल आएगा पानी में, तभी आप बाटी डाल पाओगे। तो खूब अच्छे से उबाल आ रहा है पानी में, तब तक मैम को बता दूं कि बाटी की मतलब एक तो आप ओवन में बना सकते हो, एक आप कढ़ाई में बना सकते हो, और एक आप फ्राई करके बना सकते हो। मेरे को फ्राई वाली ज्यादा पसंद है और कढ़ाई वाली हैवी नहीं होती ज्यादा, इसलिए मैं आज आपको कढ़ाई में बनानी सिखाऊंगी, नहीं कि ओवन में। मैंने ये बाटी बनाई थी यहाँ पे, पहले थोड़ी सी बना के रखी है, तो इस टाइप की बाटी हो जाती है। आप देख लीजिए ये बॉइल की हुई बाटी है। मैं मिर्ची कुटिया के साथ में या चौके के बना लें साथ में। आप बाटी को अगर फ्राई करते हो तो इस तरीके से बाटी के 4 पीस करेंगे तो प्रेजेंटेशन में भी और खाने में भी अच्छे लगेंगे। इस तरीके से बाटी के आप 4 पीस कर लीजिए। और फिर आप इसमें भी इजी होती है और ज्यादा क्रंची भी बनेंगी। अब देखिए हमारा पानी बॉईल हो गया है यहाँ पे। अब ऐसे खोलते हुए पानी में, इतने बॉईल किए हुए पानी में हमें ये बाटियां डीप करनी है। बाटी को बॉईल करने के बाद 4 पीस करेंगे? रेनु मैम रेनु मैम हम आपकी आवाज नहीं आ रही है और वीडियो भी नहीं आ रही है। Thank you.
रेनु मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी और वीडियो भी नहीं आ रही है। हेलो हेलो हाँ रेनु मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं आ रही है। किसी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो अभी आवाज आ रही है थोड़ी। अब आ रही है आवाज। इस समय तब नहीं आ रही थी जब रति बोल रही थी। अब वीडियो तो अभी भी नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गई है फिर से। हेलो हेलो हाँ जी मैम आवाज आ रही है। कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी हाँ जी अभी आ रही है। ओके मैम कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी देखिए अभी ये हमारी बाटी ऊपर आ गई है, बॉईल हो गई है। अभी एक सेकेंड नहीं yes. अभी 5 मिनट लगेंगे इसको बॉईल होने में। गैस नॉर्मल रखनी है कि तेज रखनी है? नहीं नहीं आप नॉर्मल रखिए गैस को। हम जो इसे फ्राई करेंगे उसमें भी इसे बॉईल करनी है पहले, देन वी आर फ्राइंग इट। हाँ जी बॉईल तो मतलब बाफला बाटी का मतलब है कि बॉईल ही होना, नहीं boil. तो फिर हम तंदूर में या ओवन में बना सकते हैं। okay. तो वो नॉर्मल बाटी हमारी, और जब हम बाफला बाटी बनाते हैं तो इसका मतलब वो बॉईल होने के बाद ही बाटी बनेगी, वो बाफला बाटी होती है। वैसे तो हम दाल बाटी चूरमा सब खाते हैं, लेकिन इसको बाफला बाटी बोलते हैं क्योंकि ये बस मुझे आना है क्या कनेक्टिविटी? रति मैम हेलो ये कनेक्टिविटी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है उनकी। ओके ओके और वीडियो भी नहीं आ रहा है, पॉज हो गया है। आज तो बन गई दाल बाटी। हमारा तो आधा ही बना है अभी तक। अच्छा अभी 15 मिनट्स तक उसे रखना था ना लगाकर टाइम है। शाना मैम बना रहे हो? नहीं नहीं बना रही हूँ मैं। मैंने तो शुरू भी कर दिया। रीटा मैम आज तुम्हारा ही टेस्ट करेंगे। रीटा मैम विनीता मैम निक्की मैम ये तीनों तो बना रहे हैं है ना। रीटा मैम रीटा मैम सुपर एक्टिव हो रही है आजकल। हाँ रीटा मैम हर सेशन में एक्टिव है नो डाउट। वेरी प्रॉम्प्ट बड़ी इंटरेस्टिंग। रीटा मैम म्यूट पे हो? म्यूट पे मैं क्या बोल रही हूँ, अगर अभी आप हैंग अप होते हो ना तो आप दूसरे एंड से कर लेना, हो सकता है उधर टावर मिल जाए। ओके तो इसमें मैंने तो अभी हम इसमें बाटियां डाल रहे हैं। हाँ
अच्छा, इसे फ्राई करने के बाद कट किया था क्या? नहीं नहीं, फ्राई नहीं किया, ये बॉईल बनाती हैं। हाँ, तो अब इसे किसे घी में डाल रहे हो ना? हाँ जी, घी के अंदर। और उसके बाद कट करोगे जैसे पीसेस में बताया था? नहीं नहीं, हम ये तो एक तरीका है जो अभी हो रहा है इसके अंदर और कट करने वाला दूसरा तरीका है जो हम घी डाल के डीप फ्राई जैसे और चीजें फ्राई करते हैं वैसे डीप फ्राई कर सकते हैं उसको। ओके ओके। हाँ जी, अब इस रखना 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए आप यहाँ पे इस तरफ, अब हमारी ये वाली बाटी भी बॉयल हो गई है, देखिए इसमें हल्के हल्के से क्रैक्स भी आ गए हैं और अभी हमारी बाटी अच्छे से बॉयल हो गई है, इनको निकाल लेते हैं। ये फूल के भी अच्छी से हो गई है, एकदम सॉफ्ट बाटी बनेंगे हमारी, है क्रंची भी और अंदर से सॉफ्ट भी। मैडम कढ़ाई में कौन सी बाटी है? कढ़ाई में जो मैंने पहले बॉयल करके रख ली थी ना आपको बताने के लिए, ताकि अच्छा बॉयल्ड है वो भी बॉयल्ड है। हाँ जी ओके, मैंने कहा कि इसमें सब बॉयल बनेंगे। बाफला मीन्स ही ना बॉइल्ड, आप बता रहे थे। बिल्कुल, अब ये बॉयल हो चुके हैं बाटी, अब इनको हमें 5 मिनट के लिए रखना होता है, तो ये सब चीजें रखने वाली थी तो मैंने आधी प्रिपरेशन पहले करके रख ली थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल? यस मैम। हाँ ठीक है मैम। हाँ जी, तो अभी मेरी बाटियां बॉयल हो गई है, अभी जो मैंने आपको बॉयल करके दिखाई थी, अब इसको आप अभी भी इसको काम में ले सकते हैं, इसको सिर्फ 5 मिनट ठंडा होना होने के लिए रखना पड़ता है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने वो पहले एक कोर्स करके रखा था। अब जैसे कि मान लो ये मेरे को अभी बॉईल करना है, सॉरी फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। कट करके फ्राई कर रहे हो या पूरा फ्राई कर रहे हो साथ ही बाद में कट करोगे? मैं बता दूं कि मैं जैसे कि अगर हमें बहुत अच्छा है, ये पता कैसे चलेगा बॉईल हो गई है बाटी? नहीं ये ऊपर आ जाएगा बॉईल होने के बाद, एंड थोड़ा साइज भी शायद बड़ा हो रहा है। हाँ हाँ, और क्रैक क्रैक सा निशान आ जाएगा। चाकू से अंदर देखें क्या, मतलब चाकू से देखना पड़ेगा? ये पानी में आप डालोगे तो ये बड़ी होंगी सारी, जिसकी फूलेंगी ये बाटी, और जितनी ज्यादा फूलेगी उतनी बढ़िया आपके लिए, आपकी सॉफ्ट बाटी बनेगी फूलेगी। फूल तो रही, कितनी देर तक बॉइल करते रहे? नॉर्मली 10 मिनट्स आई होप, 15 से 20 मिनट। अब ढककर बॉइल करना है या ढक्कन हटाकर? नहीं ढक्कन हटा दीजिए ना, नहीं तो वो पानी गिरेगा, अगर आप ढक्के बॉइल करेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। ओके। और अगर फ्राई नहीं करना चाहे बॉइल के बाद तो ओवन में सेक लें? हाँ जी, इसको आप ओवन में कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके चारों तरफ ब्रश से घी लगा लीजिए या घी में डीप करके, और फिर ओवन में रख दीजिए आपकी खोटी पे। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास सही। नहीं मैम, बस उनको यही पूछना था कि ओवन में कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं जी आप ओवन में, इसके 3 तरीके बताए हैं मैंने, ओवन में, कढ़ाई में, और ये हाँ, आप इसके पीसेस काट के फ्राई कर सकते हो। रेनु मैम आप कैमरा दूसरी तरफ से ले लीजिए, हो सकता है टावर आ जाए। आप ठीक है? हाँ जी हेलो मैम, वैसे ये बट बेटर है, ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी,
अब देखिए, हेलो, हाँ जी मैम, अब आप देखिएगा, जैसे कि मैंने ये बाटी बनाई थी यहाँ पे डाली थी, 5 मिनट के लिए कहा था, रख दीजिए। अब इनको हम पलट देंगे, देखिए यहाँ से ये क्रंची होना शुरू हो गया है। अब हम इसको, ये कम गैस पे रहेगा मैम, हम ये वाला प्रोसेस करते हैं तो लो फ्लेम पे रहेगा ये, कम रखेंगे। हाँ जी, अब इसको हम फिर से 5 से 7 मिनट के लिए करके रख देंगे, ठीक है। अब इसमें मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको बाटी का, जो मैंने कहा था कि ये हम कट करके फ्राई कर सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा तरीका है, प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा है, खाने में भी इजी रहता है। मैंने यहाँ पे घी डाला है कढ़ाई में और इनको पीसेस को काट लिया है, एक बाटी के 4 पीस किए मैंने, आप चाहो तो और छोटे कर सकते हो बच्चों के लिए। रेनु, इसे जनरली किसके साथ सर्व करते हैं? इसके मूंग की छिलके वाली दाल होती है मैम, उसके साथ में और एक मिर्ची होता है, हरी मिर्ची, जो मीठी वाली हरी मिर्ची होती है ना, जो मोटी मिर्ची आती है, हाँ हाँ हाँ, उसका मिर्ची कुटा बनता है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा बना के रखा है यहाँ पे। ओके, इसमें लहसुन भी डाला है ना? नहीं, मैंने लहसुन नहीं डाला, आप डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और दाल होती है मूंग की, जो प्लेन दाल बनाते हैं हम, चाहो तो उसमें आप लहसुन का स्पाइसी तड़का लगा सकते हो। मूंग की छिलके की दाल होती है, वो भी मैंने बना के रखी है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और इसका चूरमा अगर बनाते हो आप, जैसे कि दाल बाटी और चूरमे की साथ में होता है ना, तो आप चूरमा भी बना सकते हो, तो इसको बाटी को पीसना पड़ेगा मिक्सी में और फिर घी और चीनी मिला के वो चूरमा तैयार हो जाता है। इसी बाटी का चूरमा बनता है मैम, मतलब ये बेस है, आप इससे बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं इसमें। हाँ जी बिल्कुल। देखिए बाटी हमारी फ्राई हो गई है खूब अच्छे से, इसको आप पहले से प्रिपरेशन करके और इसको हाफ फ्राई करके भी रख सकते हो, ताकि गेस्ट आए तो आप इसको बाद में डीप फ्राई दोबारा कर लोगे, तो आपका समय भी बचेगा। ये हमारी बाटी फ्राई हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, मैं इनको निकाल कर, ठीक है। नाइस, इसमें कोई तड़का नहीं लगाना हमें? नहीं, बाटी में तड़का नहीं लगेगा। नहीं मतलब वो सरसों और कड़ी पत्ता वाला कुछ नहीं ना? नहीं नहीं, वो सब बाटी में नहीं होता। ओके, हाँ जी। अब ये वाली कढ़ाई में जो बाटी थी हमारी इस तरफ, इसको भी 5 मिनट हो गए हैं और ये भी हमारी अच्छी से पक के तैयार हो गई है। देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये भी,
इसको भी निकाल लेते हैं हम। ये हमारी दूसरी टाइप वाली बाटी तैयार हो गई है। ये हमारी ये दो टाइप की बाटी हो गई हैं। ये पीसेस काटे हुए हैं मेरे जो फ्राई किए मैंने, और ये जो बॉईल की हुई बाटी को मैंने उसके अंदर कढ़ाई में घी में भूना है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, ये, आ रही है। ये वाला डीप फ्राई है, ये सेलो फ्राई है। हमारी ये बाटियां बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं मिर्ची कूटे और दाल के साथ में। ये मिर्ची कूटे की रेसिपी बता दो। हाँ जी बिल्कुल। ये हमारी मिर्ची छिलके की दाल है। इसको और अगर आपको स्पाइसी करना है तो आप इसमें अच्छा सा मिर्ची और लहसुन का छौंक वगैरह लगा सकते हो। हमारे यहाँ ये तो सिंपल ही खाई जाती है, तो मैंने उसी के हिसाब से बनाई है। मिर्ची कूटे की रेसिपी है कि मिर्ची को हम लोग बीच में चीरा लगा के बारीक बारीक काट लेते हैं, फिर सरसों का तेल डाल के, सरसों के तेल कढ़ाई में डाल के उसका छोंक लगाते हैं। उसमें सिर्फ मसाला ज्यादा नहीं जाता, नमक और हल्दी डाल के पहले मिर्ची डाल दो, फिर उसको ढक के रख दो मिनट तक। फिर वो हल्का सा पक जाएगी, तब आप उसमें नमक और धनिया और खटाई डाल देना। बस ये पांच ही चीजें जाएंगी इसके अंदर। ओके मैम, ठीक है। और फिर हल्का सा एक मिनट भूनने के बाद में उसको बंद कर दो, मतलब कि पांच मिनट में आपका मिर्ची कुट्टा तैयार हो जाएगा। ओके। अब बाटी को सर्व करने के लिए हमें ये वाली जो हमने सेलो फ्राई किया है इसके अंदर ऐसे आप यूं तोड़ लीजिए, हल्का सा यूं गड्ढा सा बनाएंगे आप इसको, फिर इसमें खूब सारा घी डाल दीजिए तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये वाली प्रेजेंटेशन ऐसे ही घी डाल के आप बाटी को सर्व कीजिए और खाइए। तो कैसी nice. लगी मेरी पहला बाटी आप लोगों को आज बताइएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत तरह से इसे खाया जा सकता है, दिस इज वेरी गुड। तो किसी का रेडी हुआ है अभी? रति मैम, मुझे अर्चना मैम, मुझे पता है आप क्या बोलोगे, रहने दो। क्या बोलूंगी? मैं तो खराब होने वाली हूँ आज। क्या अर्चना इज प्रेडिक्टेबल? आज तो बना दो, तो हम आपके यहाँ पार्टी लेने आए। अच्छा, मुझे लगा घी पे कुछ बोलने वाला है ना, आपने ये नहीं सोचा होगा अर्चना ये बोलेगी। मुझे लगा वो घी पे कुछ बोलने वाले हो आप, खाते नहीं हो। ओके रेनू मैम, ये डिशेस हाथ में ले लीजिए, मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। ट्रे में रख लीजिए, नहीं तो रेनू मैम क्या एक ट्रे में सब रख लो, ट्रे में सब रख, सो दैट एक ही में सब कुछ आ जाए। यस यस, हाँ अभी ठीक है, एक मिनट। अच्छी फोटो आ रही है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा लगा निकाल के खा लो, है ना। बाटी में मुझे पता है घी मुझे बहुत पसंद है, यही मेरे सेहत का राज है, है ना। तो शुरू हो जाओ अर्चना, बना ले फिर जल्दी से। रेनू मैम आप रख दीजिए, पिक्चर क्लिक कर लिया मैंने। अर्चना बना चुकी होगी, सर्व करेगी अभी। तो और किसी का रेडी है? जिनका रेडी है दिखा दीजिए, किसी का है? फाइव मिनट्स और। ओके, पांच मिनट, पांच मिनट।
मैम, गीतांजलि मैम सब कहाँ हैं? गीतांजलि मैम एक दो दिन से आ नहीं रही है, पता नहीं कहाँ। ओके, पार्टी का कलर इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है बस खा लो निकाल के। अच्छा, इसे ऐसे ही बनाते हैं या दाल में थोड़ा कुक भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? मैं जस्ट एक्चुअली ऐसे ही पूछी आपसे कि सॉफ्ट होने के लिए। नहीं नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पे राजस्थानी में मारवाड़ी में क्या होता है कि ऐसे बाटी को आप लो, एक सेकंड में आपको। अच्छा, हमारे यहाँ तो ऐसे खाते हैं इस बाटी को। हाँ, मतलब वो ही तरीका जानना है मुझे। जी बिल्कुल, ये बाटी ली, इसमें मैंने घी डाल लिया था खूब सारा, फिर इसको ऐसे ही मुच्छे से चूर लो बाटी को। अच्छा, यूं चूर के और फिर एक सेकंड यूं इसमें दाल को भरो। ओके, और फिर इसमें मिर्ची कुछ भी डाल लो आप साथ में, और फिर इसका स्वाद लिया जाता है। फिर हम लोग तो हाथ से खाते हैं, हाथ से ज्यादा मजे आते हैं खाने में चूर के। हाँ हाँ, इसीलिए मैं ये पीसेस काट के फ्राई करती हूँ। हाँ, बोल। आ गई शोभना जी, आ गई। नहीं मैं यही थी, मैंने म्यूट कर दिया था बस। अच्छा, याद आया शोभना, आज जब आंटी ने हमें वाटी पर बुलाया था तुमने भी पूछा था कि कैसे खानी आंटी है। हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार ही खाई थी तब। वही मुझे आज याद आया। लक्ष्य में तो थक गई। हेलो, किसी का हुआ?